जपू ना कर जपू और मुख से कहू ना राम। माला जपू ना कर जपू और मुख से कहू ना राम। राम हमारा हमें जपे, राम हमारा हमें जपे, और हम पायो विश्राम कबीरा, हम पायो विश्राम, हम पायो विश्राम कबीरा, हम पायो विश्राम। भक्ति की सर्वोच्च स्थिति वही होती है जहां भक्त ईश्वर का सुमिरन नहीं करता, क्योंकि उसकी याद तो भक्त के साथ हमेशा रहती है, सर्वदा रहती है। और मेरा आशीर्वाद है आप सभी भक्तों को कि अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए आप भी भक्ति को उस शिखर तक एक दिन अवश्य पहुंचे। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको माला के 7 रहस्य बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपको अपनी राशि अनुसार अपने गले में कौन सी माला को धारण करना चाहिए। जो माला आपके सौभाग्य को तो बढ़ाए ही, लेकिन आपकी रक्षा भी करती रहे। आपको किसी भी अला बला किया कराया, किसी भी ग्रह दोष, किसी का कोई डर ना रहे। दूसरी बात हम जानेंगे कि आपको अपनी राशि अनुसार कौन सी माला पे मंत्रों को जाप करना चाहिए, ताकि आपके मंत्र आपकी साधनाएं सफल हो सके। तीसरा जानेंगे कि क्या हम जप करने वाली माला को गले में धारण कर सकते हैं। चौथा जानेंगे कि माला पहनने के क्या नियम होने चाहिए, क्या करना चाहिए माला धारण करने के बाद। क्या हम नॉनवेज खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके मन में होंगे, उन सभी का उत्तर दूंगे। जप माला जो होती है उसका जाप करने का सही तरीका क्या है, जिससे आपकी मंत्र की जो साधना है, जो भी मंत्र आप जाप करते हैं वो सफल हो ही जाए। छठा जानेंगे कि हिंदू धर्म में माला का उपयोग इतना क्यों महत्वपूर्ण है, क्या उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है जो हम हिंदुओं को अभी तक मालूम नहीं है। और सातवां जानेंगे कि अगर माला किसी व्यक्ति की टूट जाती है तो उस परिस्थिति में क्या करें और उसका क्या अर्थ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रहों की बात गुरु मां के साथ। माला धारण करना किसी भी व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है, लेकिन गलत माला का धारण करना आपके भाग्य का नाश भी कर सकता है। गुरु के आदेश से ही हमें माला का प्रयोग करना चाहिए, और किसी अनुभवी ज्योतिष आचार्य यानी कि एस्ट्रोलॉजर की सलाह के बाद ही अपने गले में आपको कोई माला, कंठी इत्यादि धारण करनी चाहिए। ज्योतिष विद्या के अनुसार जो हमारा कंठ है यानी कि गला है, वो जन्म कुंडली के पहले भाग से देखा जाता है, और हम अपने गले में जो भी धारण कर रहे हैं उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और जीवन पे पड़ता है। इसीलिए बहुत सोच समझ के ही अपने गले में, चाहे आप सोने की चेन पहन रहे हैं, चांदी की चेन पहन रहे हैं, कोई धागा पहन रहे हैं, कोई यंत्र पहन रहे हैं, कोई ताबीज पहन रहे हैं, कोई पेंडेंट है, कोई लॉकेट है, बहुत सोच समझ करके, किसी से कंसल्ट करके ही आपको धारण करना चाहिए। अगर आपकी राशि कर्क राशि या फिर आपकी लगन कैंसर है, तो ये है वो 3 प्रकार की माला जो आप अपने गले में धारण कर सकते हैं, जिससे कि सौभाग्य तो आपके पास खींच करके आएगा ही, लेकिन आपकी रक्षा भी हमेशा होती रहेगी। कर्क राशि वालों को यानी कि कैंसर राशि वालों को 108 मनकों की सुच्चे मोती की जो माला होती है वो धारण करनी चाहिए, बहुत सूट करती है। ऐसी माला को धारण करने से आपका मन हमेशा प्रसन्न बना रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी और चंद्रमा के सभी शुभ फल आपको मिलने लगेंगे। मोती जो रत्न है, ये माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय कहा जाता है, इसलिए इस माला को धारण करने से धन और लोकप्रियता दोनों में ही इजाफा होता है। दूसरी है मूनस्टोन की माला, जिसे हम हिंदी में चंद्रकांत भी कहते हैं। अगर आप मोती की माला धारण ना कर सकें असली, तो मूनस्टोन यानी चंद्रकांत की 108 मनकों की मंत्र सिद्ध करा के माला भी आप गले में धारण कर सकते हैं। कर्क राशि वालों को इस माला को पहनने से तनाव दूर होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, भाग्य जागृत होता है। विदेश यात्रा अगर करना चाहते हैं या वहां कोई अड़चन आ रही है विदेश में, तो भी ये सहायक होती है।
प्रेम संबंधों में भी सुधार करती है और अगर आप कला प्रेमी हैं या कलाकार हैं तो उसमें आपको लाभ मिलता है। तीसरी माला जो कर्क राशि वाले धारण कर सकते हैं वो है रुद्राक्ष की माला। पांच मुखी या दो मुखी रुद्राक्ष की मंत्र सिद्ध करा के माला आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष जो है इसमें एक चुंबकीय प्रभाव रहता है। रुद्राक्ष की माला धारण करने से जीवन में खुशी आती है, स्वास्थ्य लाभ होता है और स्वतंत्रता का अनुभव आता है। पर मैं गृहस्थियों को इसकी सलाह नहीं देती हूँ क्योंकि रुद्राक्ष को भगवान शंकर का प्रतीक माना गया है, उन्हीं का अंश माना जाता है, तो गृहस्थी में नियम पूर्वक इसको धारण करना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो आप इसको अवॉइड करें, उसकी जगह मोती या मून स्टोन की माला ही धारण करें। तो ये है वो माला जो आपको अपने गले में हमेशा धारण करके रखनी चाहिए। ये उन्नति भी देगी और आपकी रक्षा भी करेगी, किसी तरह का कोई अनिष्ट आपके साथ नहीं होने देगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि माला हमेशा असली होनी चाहिए। सर्टिफिकेट उसका मिल जाए तो सबसे अच्छा है, सर्टिफिकेट के साथ लें, क्योंकि आजकल बहुत सारे नकली पेड़ों को काट करके वो ऐसी मालाएं बना देते हैं जो कि पहनने वाले को, साधक को हमेशा नुकसान करती है। इसलिए ओरिजिनल होगी तो जरूर फायदा करेगी। और ध्यान रखें कि मंत्र सिद्ध हो तो ये आपके लिए सर्वोत्तम है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों, आपको जाप के लिए कौन सी माला का प्रयोग करना चाहिए ताकि आपका मंत्र जप सफल हो सके। अगर आपके कोई गुरुदेव हैं तो अपने गुरुदेव से शुद्ध करा करके ही, उनसे दीक्षा प्राप्त करने के बाद ही यदि आप कोई माला लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं किसी भी मंत्र जाप के लिए, वो हमेशा ही आपको फायदा करेगा। तो यदि आपके जीवन में गुरु है तो उनसे शुद्ध करा करके ही जप माला का प्रयोग करें। अगर आपने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाए हैं और ढूंढ रहे हैं किसी सही गुरु को जो आपको मार्गदर्शन दे सके, या आप माला को प्राप्त करना चाहते हैं शुद्ध की हुई किसी गुरु के हाथों, तो हमारे जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और गुरु दीक्षा के लिए निवेदन कर सकते हैं। शुद्ध की हुई माला, आपके गुरुदेव का फोटो आपको पोस्ट द्वारा भिजवा दिया जाएगा। कर्क राशि वालों, एक और माला है जिससे जाप करने से आपके सभी मंत्र सफल होंगे, आपको कभी कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहती हूँ, तो चलिए वो बात सुनते हैं, उसके बाद में आपको बताऊंगी कौन सी है वो रहस्यमय माला। जय शनिदेव। सभी की समस्याओं का निवारण करने के लिए अपने 10 वर्षों की साधना, तपस्या और अनुसंधान के बाद मैं गुरु मनी लाई हूँ आप सबके कष्टों को दूर करने के लिए मंत्र सिद्ध सर्व मनोकामना सिद्धि लॉकेट। नौ रत्नों वाले इस लॉकेट को अपने गले में धारण करने से आपको समस्त नौकरे शुभ फल प्रदान करने लगते हैं और नीचे लगी ये जो दिव्य कर्क पौड़ी है, जब ये आपके शरीर को स्पर्श करती है तो ऋग्वेद की श्री सूक्त की जो ऋचाएं हैं और लक्ष्मी मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण ये आपके जीवन की सभी धन संबंधी समस्याओं को दूर करती है, कर्जों से मुक्ति दिलाती है और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर के आती है। बाजार में मिलने वाले अन्य रत्नों की अंगूठियां और लॉकेट किसी सिद्ध पुरुष द्वारा 3 दिन तक मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत नहीं होते हैं। इसी कारण इस कलयुग में बहुत से ऐसे कम लोग हैं जिन्हें सच में रत्नों का प्रभाव महसूस होता है। हमारे द्वारा मंत्र सिद्ध रत्नों से हम 133 देशों के लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि भर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल गुरु रजनीश शिशि जी, जिसपे आज 19 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वहां पर जाकर के आप ऐसे चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त किए हुए हजारों लोगों का वीडियो देख सकते हैं। मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध सर्व मनोकामना सिद्धि लॉकेट को प्राप्त करने के लिए हमारे शनिपीठ मंदिर नई दिल्ली में अभी कॉल करें या हमें व्हाट्सएप करें। जय शनि। कर्क राशि वालों, दूसरे आप जो माला जाप के लिए प्रयोग कर सकते हैं वो है मून स्टोन की माला। आप इस पे यदि जाप करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा, अभीष्ट फलों की प्राप्ति कराएगा और साथ ही जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आने देगा। इसके अलावा आपको कुछ और ज्ञान देना चाहूंगी माला के विषय में। अगर आप किसी देवी देवता का जाप कर रहे हैं, अपने किसी इष्ट देवता का जाप कर रहे हैं, तो उनको किन माला से करना चाहिए वो मैं आपको ज्ञान देती हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में विभिन्न मालाएं बताई गई हैं अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। यदि आप विष्णु जी या कृष्ण जी का जाप करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको केवल और केवल तुलसी माला का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप शंकर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए।
अगर आप माता लक्ष्मी को, माता सरस्वती को, माता अंबा को या कुबेर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो स्फटिक की माला ऐसे में उत्तम फल देने वाली होती है। अगर लक्ष्मी जी को जाप करना चाहते हैं तो कमल गट्टे की माला भी बहुत उपयुक्त रहती है। अगर माता दुर्गा का जाप करना चाहते हैं तो लाल चंदन का प्रयोग करें। इसके साथ ही अगर मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे देवी देवता हैं या आप बहुत सारे मंत्रों का जाप करते हैं और आपको समझ नहीं आता है कि कौन सी एक माला लें जिससे सभी का जाप हो जाए, तो ऐसे में आपको सफेद चंदन की माला का प्रयोग करना चाहिए। सफेद चंदन की माला सभी देवी देवताओं के जाप में प्रयोग की जा सकती है। चलिए एक बहुत जरूरी सवाल का उत्तर देती हूँ कि क्या हम जाप करने वाली माला को गले में धारण कर सकते हैं? इसका सीधा उत्तर है नहीं। आप जिस माला पर जाप करते हैं उस माला को आपको धारण नहीं करना चाहिए। उसको हमेशा ही आपको गौमुखी में या कपड़े में लपेट करके अलग रखना चाहिए और जो पहनने वाली माला है उसको अलग रखना चाहिए। आप पहनने वाली माला को पहली बार अभिमंत्रित कर सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं, किसी योग्य सिद्ध पुरुष से या स्वयं कर सकते हैं, और एक बार, केवल एक बार उसको मंत्र सिद्ध करने के बाद आप गले में धारण कर लेते हैं। लेकिन उसे धारण करने के पश्चात दोबारा उस पर कभी मंत्र जाप नहीं करना चाहिए क्योंकि वो झूठी हो जाती है। और जो जाप वाली माला है उसको हमेशा ही अलग रखना चाहिए, उस पर केवल और केवल आपको जाप करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कभी आपको बहुत घबराहट हो रही है, आपको बहुत ज्यादा कोई दिक्कत आ रही है लाइफ में, तो उस स्थिति में, वैसे तो नहीं पहनना चाहिए, लेकिन उस स्थिति में अगर मान लो कि आपको लग रहा है कि बहुत प्राणों पे ही संकट बन गया है, तो ऐसे में जो जाप की माला है उस समय आप उसको 10-15 मिनट को धारण कर सकते हैं। जब आप उस एनर्जी से भर जाएं, थोड़ा नॉर्मल हो जाएं, तो उसको उतार के गंगा जल से धो के वापस पैक करके रख देना चाहिए। लेकिन इसे करना नहीं चाहिए, बस तब बता रही हूँ जब बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी सारी वीडियोस में आप देखते ही होंगे कि मैं हमेशा मोती की माला और रुद्राक्ष की माला धारण करती हूँ। ये मेरी राशि अनुसार ही है क्योंकि कर्क राशि है मेरी, तो मोती की माला मुझे बहुत सूट करती है और साथ ही रुद्राक्ष की माला भी मुझे बहुत सूट करती है, तो इसीलिए मैं ये दोनों माला हमेशा ही धारण करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको बता रही हूँ और गुरु माँ स्वयं उसका प्रयोग नहीं करते हैं। हमारे चैनल पे आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन देंगे, सबसे पहले अपने ऊपर प्रयोग करेंगे, अपने शिष्यों पे प्रयोग करेंगे, जब वो सफल होगा तभी आपको बताएंगे। इसीलिए तो आज 21 लाख से ज्यादा परिवार हमारे साथ YouTube पे जुड़ गए हैं क्योंकि वो जानते हैं हम जो भी उपाय बताते हैं केवल पड़े हुए उपाय नहीं है, वो सारे प्रैक्टिकल अजमाए उपाय हैं, इसलिए उसको करने से लाभ आपको हमेशा होता है। चलिए ऐसे ही एक भक्त से मिलते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको माला पहनने का सही तरीका क्या है। जय शनिदेव, मैं गुरु मारुकमणि जी का वीडियो मैं बहुत दिनों से देख रहा था और वीडियो देखते देखते मैंने एक दिन गुरु मारुकमणि जी से मिला। व्हाट्सएप के वीडियो कॉल के माध्यम से ही मिल करके मैंने अपना सारी समस्याएं बताई। मैं बहुत ज्यादा कर्ज में था और अभी भी थोड़ा बहुत हूँ, बट मेरा काम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था, मैं कहीं का नहीं था, बहुत परेशान होता हुआ करता था। तो मैं गुरु मारुकमणि जी से मिल करके मैंने सारी समस्याएं बताई, तो मुझे पहले तो उन्होंने जो प्रथम नौग्रह का लॉकेट जो होते हैं वो मुझे दिए, तो मैंने उस लॉकेट को एक साल तक पहना, अभी भी मैं पहना हुआ हूँ, बट मैं दोबारा से मैंने रिंग बनवा करके भी पहन लिया हूँ। तो मुझे बहुत सारा काम आगे की ओर बढ़ रहा है। गुरु जी और गुरु माँ को मेरा सादर चरण स्पर्श, और मेरा नाम नीलम है, मैं नीलम बहरेन से बात कर रही हूँ। गुरुजी से बात हुई थी मेरी, एंड गुरुजी मैं इतना ही कहूँगी, यू आर द बेस्ट, एंड आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जैसे लगा कि सही जगह है और सारे समस्याओं का समाधान यहीं पे मिल सकता है। और मुझे बहुत इच्छा है कि मैं आप लोगों के पास आके आप लोगों का दर्शन करूं, तो वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी, मेरा विश्वास है। और गुरु माँ से भी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि पहले मुझे लगा कि ऐसे ही है ये वीडियोस भी, जैसे और बहुत सारे YouTube पे होते हैं। एंड मैं और एक बात कहना चाहूँगी कि
thanks to YouTube channel also. Because of this platform only I just find out Guruji and Guru Ma. And Sunny Dev se bhi main prarthana karna chahungi ki Guru Ma aur Gurudev bahut acha kaam kar rahe, logon ka bahut madad kar rahe aur unke पूजा पाठ से उनके आशीर्वाद से बहुत लोगों का बहुत भला हो रहा है। अब आपको बता रही हूँ कि माला पहनने के नियम क्या है, क्या सही तरीका है, किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना चाहिए और एक कहानी के माध्यम से बता रही हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। एक छोटे से प्रदेश में एक गणिका रहती थी। वो गणिका एक दिन सैर पे निकली तो उसने उस प्रदेश की महारानी के गले में एक सुंदर सी माला देखी। उसे मालूम नहीं था वो एक स्पेशल रहस्यमय माला है जो उसके गुरुदेव ने उसे प्रदान की है और उस रानी की माला को देख करके वो गणिका मोहित हो गई। घर पे आई तब भी उसके दिमाग में वही सुंदर माला चल रही थी, यदि वो माला मेरे गले में हो तो कितनी शोभा पाएगी। उसका एक प्रेमी था वो चोर। उसने उस प्रेमी से कहा कि सुनो प्रियतम, यदि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो महारानी से चुरा करके वो माला मेरे लिए लेकर के आओ। उसने कहा, अरे पगली, चुराने की क्या आवश्यकता है, मैं तुझे वैसी ही एक माला बनवा दूंगा। उसने कहा, नहीं, उस माला में कुछ तो खास था, मुझे वो ही माला चाहिए। यदि तू प्यार करता है तो लेके आ, वरना कल से अपना मुंह मत दिखाना। अब स्त्री हट के सामने वो बेचारा क्या करता, चोरी छुपे कैसे न कैसे करके राजमहल पहुंचा। उसने उस माला को चुरा भी लिया, लेकिन हाय रे उसकी किस्मत, जाते जाते वो कहीं टकरा गया। जोर की आवाज हुई और सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने उसे मृत्युदंड सुनाया। महारानी की माला उसे वापस मिल गई, जाती भी कहां, क्योंकि अभिमंत्रित माला थी, उसकी विशेष राशि की माला थी। जब सिपाहियों ने मृत्युदंड उसको दिया, शूल पर उसको चढ़ा दिया गया। अब वहां बेचारा तड़प रहा था, शूल पे चढ़ा हुआ अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। वहां से एक साधु महात्मा निकले, वो उस समय मंत्र जाप कर रहे थे। उसने कराते हुए उस चोर ने महात्मा को आवाज लगाई और कहा कि महाराज थोड़ा सा पानी पिला दो। साधु महात्मा ने देखा, अरे कितना पीड़ित है, अंतिम समय के पास है, इसकी इच्छा तो पूरी करनी ही होगी, लेकिन मैं अपनी माला की गिनती पूरी कर रहा हूं। मैंने संकल्प लिया है कि माला पूरी जाप करते करते ही बिना रुके मैं मंदिर तक जाऊंगा। अब क्या करूं, धर्म संकट में पड़ गए वो महाराज, लेकिन उनको एक उपाय सूझा। उन्होंने मरते हुए उस व्यक्ति को वो माला पकड़ाई और कहा कि देख, जब तक मैं नहीं आता तुझे मंत्र बता रहा हूं और माला भी दे रहा हूं, इसको जाप करते रहना, उल्टी दिशा में मुझे जाना है, इसलिए मैं तब तक पानी लेके आता हूं, तू इस मंत्रों की संख्या को उससे आगे बढ़ाते रहना। महात्मा पानी लेने गए, जैसे ही लौटे तो उन्होंने देखा उस चोर ने प्राण त्याग दिए थे। महात्मा को बहुत दुख हुआ, लेकिन अपने गंतव्य तक पहुंच गए। वो जो चोर था उस पे उस माला का, उस मंत्र का ऐसा प्रभाव हुआ कि उसे मरते ही सभी पापों से मुक्ति मिली और सीधा ही स्वर्ग लोक पहुंचा। स्वर्ग में जाते ही वो एक देवता बन गया। सिपाहियों ने उस साधु महात्मा के खिलाफ राजा को चुगली लगाई। हे महाराज, हमने देखा है ये साधु महात्मा जो उस कोने में उस कुटिया में रहता है, ये इस चोर के साथ मरते समय कोई मंत्रणा कर रहा था, अवश्य ही सारा लूट का पैसा उसने वहीं छुपाया है। राजा ने आदेश दिया, जाओ उसे पकड़ के लाओ। ऊपर से जो चोर देवता बन गए थे वो देख रहे थे, इतना अच्छा साधु, इतना महान आत्मा है ये, और इसके साथ आज मेरे कारण गलत हो रहा है। वो साधु की कुटिया के बाहर भेष बदल के आए और भेष बदल के वहां अंगरक्षक की तरह खड़ा हो गया। अब जो भी सिपाही आए वो उसको वापस भेजते, अगर लड़ने लगे तो वो उनसे लड़ भी जाए। एक एक करके जो सिपाही आया उससे हारता गया। अंत में राजा को स्वयं आना पड़ा। राजा ने साधु महात्मा को आवाज लगाई, साधु महात्मा बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक अंगरक्षक उसकी रक्षा कर रहा है, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। साधु महात्मा ने राजा से जो बात की, राजा ने उसे सारा हाल बताया, तो तब वो जो चोर था जो अब देवता हो गया था उसने सारी बात स्पष्ट रूप से समझाई।
राजा को इतना आश्चर्य हुआ कि साधु का शिष्य हो गया। मंत्रों में सही प्रकार से जप की हुई माला में और एक अभिमंत्रित की हुई माला में बहुत शक्ति होती है। ये एक साधक की एक भक्त का रक्षा कवच होता है। इसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए और इन नियमों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि माला व्यक्तिगत हो, किसी को देना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अभी जाप कर रहे हैं फिर उसी माला पे आपके घर में दूसरा व्यक्ति जाप कर रहा है फिर तीसरा कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अपनी जाप करने वाली माला या पहनने वाली माला व्यक्तिगत ही रखनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए जो माला आप पहन रहे हैं उसे पहली बार ऐसे ही ना पहने, उसे अभिमंत्रित किसी सिद्ध पुरुष से कराने के बाद ही पहने। जाप करने वाली भी जो माला है उसे पहली बार जब आप जाप करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं आपने खरीदा और बस उसको आपने जाप करना प्रारंभ कर दिया, उसको पहले नियम पूर्वक उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी शुद्धि करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको सही तरीका बताती हूँ। आप जब भी बाजार से जाप करने के लिए कोई नई माला लेकर के आते हैं तो उसे आपने ऐसे ही नहीं प्रयोग करना है, आपने पहले उसको शुद्धि करना है फिर उसका पूजा करना है। उसके लिए आप माला को जो लेकर के आए हैं उसे पहले गंगा जल में धोएं। धोने के पश्चात एक स्टील का प्लेट ले उसके ऊपर आप माला को रख दें, सजाएं, मंदिर के अंदर इस माला को रखें। आप पंच उपचार से उसका पूजा करें, यानी कि कुमकुम, हल्दी, चंदन, चावल, इन सब से उसको तिलक करें, पुष्प चढ़ाएं, धूप और दीप दिखाएं और आपने उनको नैवेद्य चढ़ाना है, यानी कि कुछ मीठा अपने भोग लगाना है। उसके बाद उनसे प्रार्थना करें जो भी हम जाप करें आप पे वो सफल हो और फिर ही उस माला का प्रयोग करें। जाप करने वाली माला में कभी भी या पूजा के हिंदू धर्म में पूजा में कोई भी आप कार्य करते हैं तो पहली उंगली निषेध है, आप इस तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आपने जब भी माला करनी है तो गौमुखी मुद्रा बनाएंगे, यानी पहली उंगली और आखिरी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, वैसे तो ये मेरी पहनने की माला है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बताती हूँ। ये जैसे माला है इसका सुमेरु पर्वत आपने ऊपर रखना है। ये जो मनका है ये एक्स्ट्रा मनका होता है 108 से, इसको आपने सुमेरु को ऊपर रखना है। इस प्रकार से अपनी उंगली रखेंगे, आप अंगूठे और मध्यमा के ऊपर इसे रखना है और अंगूठे से चलाते जाना है। एक मंत्र पढ़िए, एक मन का आगे बढ़ाए, एक मंत्र पढ़िए, एक मन का आगे बढ़ाए, एक मंत्र पढ़िए, एक मन का आगे बढ़ाए, इस प्रकार से मंत्र का जाप करते रहिए। और जब आपका ये जाप जो है ये पूरा आपका 108 पूरा हो जाता है, यानी कि सुमेरु आपका वापस से ऊपर आ जाता है, तो ऐसे में सुमेरु को लांघेंगे नहीं, इसको आप केवल और केवल वापस से ऐसे घुमा लेंगे और फिर से इसको ऐसे आगे जाप करते रहेंगे, यानी कि इसको हमने लांघना नहीं है क्योंकि इसको लांघने से हमारी जो एनर्जी है वो क्रॉस हो जाती है, तो एनर्जी को क्रॉस नहीं करना है, इसे लांघना नहीं है। जब भी आप माला को कर रहे हैं इसे गौमुखी में रखें, यानी माला को जो बैग आता है उसमें रखें या कपड़े से ढक के ही माला का प्रयोग करें। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी माला को ना देखे, नजर ना लगाए कि आप जाप क्या कर रहे हैं। जब भी माला को धारण करें तो ये जो सुमेरु है ये नीचे की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से इस सुमेरु को आपने नीचे की तरफ रखना है। इस प्रकार से पहनने वाली माला में गांठ नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो जाप आप कर रहे हैं उस जाप माला में हर बीट के बीच में, हर मोती के बीच में एक गांठ जरूर होनी चाहिए। पहनने वाली जो माला है उसको नहाने धोने के पश्चात ही आपको धारण करना चाहिए, यानी सुबह के समय नहाने के बाद इसको धारण करें और शाम के समय जब घर पहुंचे तो उसे उतार दें, ताकि आपकी माला शुद्ध बनी रहे, क्योंकि हो सकता है रात के समय आप कोई संबंध बनाएं अपने पति पत्नी के बीच में, तो ऐसे में माला आपके गले में नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ नियमों को और ख्याल करें, जैसे आपको लैट्रिन में इसको पहन करके नहीं जाना चाहिए। अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है तो भी माला को उतार के जाएं, किसी की डेथ में जाना पड़ रहा है तो उसे उतार के जाएं, कोई नया बच्चा जन्म ले रहा है वहां जाना पड़ रहा है तो भी माला को उतार के ही जाएं, ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे।
वैसे तो हर धर्म में, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे हमारे और धर्म हो, सभी में हमारे को माला पहनना बहुत जरूरी बताया गया है, माला का उपयोग बताया गया है, जिसे रोजरी भी कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन हिंदू धर्म में विशेष रूप से माला का प्रयोग बताया गया है, पहनने को भी और जाप करने को भी, क्योंकि इसके पीछे एक वैज्ञानिक, एक साइंटिफिक रीजन है। माला जो पहनता है व्यक्ति, तो उसका मन एकाग्र होता है, मन उसका भटकता नहीं है। आप कभी भी नोट कर लेना, जो व्यक्ति माला का जाप करते हैं या माला धारण करते हैं, कंठी धारण करते हैं, उन लोगों का मन कम भटकता है। साथ ही दूसरा वैज्ञानिक कारण यह है कि जब आप अपनी मध्यमा उंगली से अंगूठा रख करके माला को चलाते हैं, तो इससे सीधा प्रभाव, इससे जो तरंगे निकलती है उसका सीधा प्रभाव आपके मस्तिष्क पे और आपके हृदय पे पड़ता है, जिसकी वजह से आपका हृदय और आपका मस्तिष्क दोनों ही मजबूत होते हैं और आपके जीवन में स्थिरता आती है, स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। अब आखिरी सवाल, यदि माला करते हुए आपकी टूट जाए तो ऐसे में क्या समझना चाहिए, वो क्या संकेत दे रहे हैं और ऐसे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अगर आप माला फेर रहे हैं और फेरते फेरते माला का कोई दाना टूट जाए, चिटक जाए या झड़ जाए, तो इसे अच्छा संकेत नहीं मानते हैं। या आपने माला पहनी हुई है तो वो बिखर जाए, टूट जाए, कुछ मन के घूम जाए, तो इसे भी अशुभ मानते हैं। ऐसे में आपको उस माला को प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, उतार करके आपको या निकाल करके उसको पीपल के पेड़ पे छोड़ देना चाहिए और तुरंत ही अपना जाप रोक देना चाहिए या उस माला को पहनना रोक देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि किसी शक्ति का या किसी मंत्र का आपको प्रतिफल मिल रहा है। ऐसे में जाप को रोक दें, मंत्र को रोक दें, माला पहनना छोड़ दें और तुरंत ही अपने गुरु के शरण में जाएं, वही आपका उद्धार करेंगे। तो ये थे वो 7 रहस्य माला के, जो आपको जानने बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं तो माला में वो शक्ति है जो जाप से भी और पहनने से भी आपके जीवन को बदल सकती है। तो इसका प्रयोग जरूर करें और कोई भी दिक्कत हो तो अपनी गुरु माँ को याद कर लें। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ, आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, जीवन में मनोकामनाएं अपनी पूरी करते रहें। जय श्री देव। हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।